दोस्तों 2015 के पेरिस समझौते की माने तो इसके लिए अब तक करीब 170 देशों ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसे एनडीसी कहते हैं, को पेश किया है। एनडीसी उन देशों की ओर से जो 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए उनकी जलवायु के प्रति वचनबद्धता का समझौता है। एनडीसी को प्राप्त करने के लिए कई देशों के द्वारा एक राहत रणनीति को काफी पसंद किया जा रहा है, जिसे कार्बन बाजार रणनीति कहते हैं। नवम्बर 2021 में ग्लासगो में COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के दौरान वार्ताकारों ने वैश्विक कार्बन क्रेडिट ऑफसेट ट्रेडिंग मार्केट बनाने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसे कार्बन क्रेडिट या कार्बन ऑफसेट के रूप में समझ सकते हैं आप। ये वातावरण में ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में मिलने वाला एक क्रेडिट है, जिसका उपयोग सरकारों, उद्योगों या व्यक्तियों द्वारा उत्सर्जन के लिए हुए नुकसान की भरपाई के रूप में जाना जा सकता है। इसके द्वारा आसानी से उत्सर्जन को कम नहीं कर पाने वाले उद्योग वित्तीय लागत वहन कर अपना संचालन कर सकते हैं। आपको बता दें कि कार्बन क्रेडिट कैंप एंड ट्रेड मॉडल पर आधारित है, जिसका उपयोग 1990 के दशक में सल्फर प्रदूषण को कम करने के लिए किया गया था। नमस्कार।